हेलो एंड वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सर्विस टैक्स। देखो, ये बात समझ लेने के बाद कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं और क्या परसेंटेज है, इसको जान लेने के बाद अब डिस्कस करेंगे कि सर्विस टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो किस किस फैक्टर को हम कंसिडर करना है, हमने एज ए अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा रोल है उस रोल में हमने क्या कुछ करना है। तो एक बार और मैं याद जरूर करा देता हूं आपको कि सर्विस टैक्स कौन सी कंपनी के लिए जरूरी है, किस सर्विस प्रोवाइडर के लिए जरूरी है। इफ द टैक्सेबल रिसीट्स ऑफ एनी कंपनी इज मोर देन 10 लाख पर एनम, देन उसको सर्विस टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना कंपलसरी हो जाता है। और दूसरी बात, किन सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, अगर कोई भी सर्विसेज, इफ योर सर्विसेज जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है इज नॉट मेंशन्ड इन नेगेटिव लिस्ट, देन इट मींस कि आपकी सर्विसेज टैक्सेबल है, आपको उस पर सर्विस टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। और उसके बाद हमने बात की थी रेट ऑफ परसेंटेज की, तो अगर करंट रेट की बात करें तो 12.36% है, जिसमें 12% बेस रेट है और 0.24 और 0.12 एजुकेशन और हायर एजुकेशन सेस है। लेकिन जब एज ए अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना रोल प्ले करोगे तो सर्विस टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, तीन मेजर फैक्टर हैं। और वो तीन मेजर फैक्टर क्या हैं? सबसे पहले आपको सर्विस टैक्स में एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है, जो 2004 में लागू हुआ और उसे हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन सर्विस टैक्स। तो फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और सेकेंड फैक्टर है आपका अबेटमेंट, और थर्ड फैक्टर है आपका सेनवेट क्रेडिट। तो अगर आपने अच्छे ढंग से किसी कंपनी में जाके काम करना है तो इन तीन फैक्टर्स को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, उसके बाद ही आप प्रॉपरली सर्विस टैक्स को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने का काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्विस टैक्स में बेसिकली ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम क्या है। देखो, जैसे हमने सर्विस टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम कहानी की बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं, ठीक है ना, विच इज पेड बाय द थर्ड पार्टी टू द गवर्नमेंट। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैंने किसी एक्स वाई जेड को सर्विस प्रोवाइड की, इट्स माय ड्यूटी टू कलेक्ट द सर्विस टैक्स एंड टू डिपॉजिट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई, इसी रीजन की वजह से ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम शुरू किया। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम के लागू होने के बाद न सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बल्कि सर्विस रिसीवर भी सर्विस टैक्स के दायरे में आ गया। मतलब अलोंग विद सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी। अब अगर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम को ढंग से समझें, मैं आपको बोर्ड बेस का एक बार मेंशन करता हूं, साथ के साथ आपने नोट भी करना है कि ये क्या माजरा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन है वो है रिवर्स सबसे पहले हम सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम समझेंगे। देखो, अगर आप सर्विस टैक्स एक्ट खोल के देखो और सर्विस टैक्स एक्ट में अगर हम सेक्शन की बात करें, अंडर सेक्शन 68(1), इस सेक्शन में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया कि इफ यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द सर्विस टैक्स एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। और इसी वजह से, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसी वजह से ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इसमें एक सेक्शन उसके बाद गवर्नमेंट ने और जोड़ दिया, मतलब इसकी एक इसमें एक सेक्शन और जोड़ दिया, और उस सेक्शन का नाम वो कौन सा सेक्शन है, एंड दैट इज, अगर हम सेक्शन की बात करें, 68(2). अब इस सेक्शन में क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या कहा, मतलब 61 68(1) की एक एक्सेप्शन है, 60
68(1) में गवर्नमेंट ने कहा कि एक इफ यू आर ए प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द सर्विस टैक्स एंड टू डिपॉजिट द गवर्नमेंट. बट जब ये सेक्शन इसके साथ मतलब इस सेक्शन के एक्सेप्शन आप ये लगा लीजिए 68(2) में क्या कहा गया है कि अलोंग विद सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट कुछ ऐसी सर्विसेज स्पेसिफाई कर सकती है. गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई सम सर्विसेज इन विच ए सर्विस रिसीवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू पे द सर्विस टैक्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अब अगर हम सर्विस टैक्स की बात करें, सर्विस टैक्स हमारा 12.36% ही रहेगा, लेकिन ये 12.36 जो है इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. उसके दो पोर्शन कर दिए जाएंगे, एक पोर्शन सर्विस रिसीवर पे करेगा और एक सर्विस प्रोवाइडर. और अगर हम बात करें कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ने क्लियर कट ऐसी भी जोड़ दी जिसके अंदर 100% सर्विस रिसीवर पे करेगा. तो एक बात आपको यहां पे एज ए अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ध्यान से देखनी है. वैसे हम बोलते तो हैं इसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी, लेकिन अगर मेरी नजर से आप देखो तो इट्स नॉट ए क्लियर कट डायरेक्ट टैक्स. अगर हम सेक्शन 68(2) की बात करें, इस सेक्शन के चलते अगर आप दिमाग लगाइएगा आराम से बैठ के, तो वी कैन नॉट से इट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स. बेसिकली इट्स ए मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. कैसे? इफ इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स देन इट्स होल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑन द शोल्डर ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर. आप मेरे से सर्विस रिसीव, सपोज करो आपने हमसे एजुकेशन ली, तो आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को अगर मैं डिपॉजिट कराता हूं तो आई एम थर्ड पार्टी इन दैट कंडीशन. एंड अगर कोई टैक्स थर्ड पार्टी के जरिए गवर्नमेंट को पहुंचे, वी कैन से इट्स इनडायरेक्ट टैक्स. एंड वट इज डायरेक्ट टैक्स? अगर आप अपनी किसी भी आप टैक्स को जो आपसे रिलेटेड है खुद गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओ. लेकिन अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चलते आपको अपना टैक्स खुद जमा कराना पड़ जाए, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, और ऐसी कंडीशंस में आपको भी सर्विस टैक्स जो है खुद अपनी सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़े, तो व्हाट इट मींस, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंच गया. दिस इज नॉट पेड बाय द थर्ड पार्टी एंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस वी कैन से इट्स अ डायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है सर्विस टैक्स को, मेरे ख्याल से. वैसे ऐसा किसी एक्ट में नहीं लिखा कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बट इट्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस सेक्शन. क्योंकि इस सेक्शन में साफ तौर पे कहा गया है कि इफ यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, सेक्शन 68(1) में साफ तौर पे कहा गया है इफ यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द सर्विस टैक्स एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट द टैक्स टू गवर्नमेंट. बट इन केस ऑफ अगर हम इसके साथ एक सेक्शन और रख दें एंड दिस इज 68(2) एंड इन दिस सेक्शन गवर्नमेंट ने कहा क्लियर कट कहा कि गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई सम सर्विसेज वेयर ए सर्विस रिसीवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स टैक्स. न सिर्फ सर्विस रिसीवर उस कंडीशन में सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराएगा बल्कि उसकी बकायदा रिटर्न भी फाइल करेगा ST3 पे, जो भी आपका रिटर्न का प्रोसीजर जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे. न सिर्फ टैक्स डिपॉजिट कराएगा बट इज ऑल्सो लाइबल टू फाइल ए रिटर्न. तो अगर हम बात करें जो डिवीजन की, अगर हम बात करें तो जैसे हमने एक बार डिस्कस की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि हमारा जो सर्विस टैक्स है, जो बेस सर्विस टैक्स है, हमारी जो सर्विस टैक्स की परसेंटेज है दैट इज 12.36%. अब ये डिवाइड होगी बिटवीन द टू पार्टी. वन कौन होता है? रिसीवर. एक तो सबसे पहले प्रोवाइडर आ गया और दूसरा हो गया रिसीवर. तो सर्विस टैक्स के केस में बेसिकली 2% आ गए, एक तो प्रोवाइडर आ गया और एक कौन आ गया? रिसीवर. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस परसेंटेज को सपोज करो 2% में दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. कुछ केसेस के अंदर, कुछ केसेस में कहा कि 0% ये डिपॉजिट कराएगा तो 100% ये कराएगा, हैं? कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने कहा कि 50% ये कराएगा तो 50% ये कराएगा. कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने कहा कि सपोज करो 30% ये कराएगा तो कुछ में 70 ये कराएगा, कुछ में 25 ये कराएगा तो कुछ में 75 ये कराएगा. तो गवर्नमेंट ने कुछ नाम दिए हैं जिनमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है कुछ सर्विसेज में. अब वो कौन सी सर्विसेज हैं? वैसे तो उसकी लिस्ट आप हमसे कलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सर्विसेज के नाम यहां पे बता देता हूं. जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज है, इन केस ऑफ इंश्योरेंस 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसीवर पे है. तो 0% हम बात करें तो प्रोवाइडर का है और 100% किसका है? रिसीवर का. एंड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड,
अगर आप कैरेज की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, तो 100% रिसीवर को पे करना पड़ेगा। और अगर आप बात करो, सपोज करो कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह पे आप काम करते हो, स्पॉन्सरशिप का काम आपका है, तो स्पॉन्सरशिप के केस में 100% रिसीवर डिपॉजिट कराएगा। इसी तरीके से कोई लीगल सर्विसेज है, सपोज करो कोई आपने एडवोकेट की सर्विसेज लेनी है, कुछ भी लेनी है, उस लीगल सर्विस के केस में 100% है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे सपोज करो मोटर व्हीकल की रेंटिंग है और उसमें आप नॉन अबेटेड वैल्यू पे काम करते हो, तो उसमें प्रोवाइडर 60% डिपॉजिट करेगा और रिसीवर 40% डिपॉजिट करेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आपने बीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एग्जांपल में भी स्टडी किया होगा, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें उसमें 50-50 की रेशियो है, दोनों 50-50 जमा कराएंगे। और सपोज करो मैन पावर प्रोवाइडर है, प्लेसमेंट्स का काम आज के डेट में बहुत चलता है, मैन प्रोवाइडर के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 25% और जो रिसीवर है वो 75% डिपॉजिट कराएगा। मीन देयर बाय कि दोनों कंपनियों की रिसीवर एज वेल एज प्रोवाइडर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वहां पे जो रिसीवर है वो पार्शियली के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और पूरे अमाउंट के लिए। तो जब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आया, तो एक बात आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चलते ये ध्यान रखनी है कि ना सिर्फ प्रोवाइडर बल्कि रिसीवर भी, सर्विस रिसीवर भी रिस्पॉन्सिबल है सर्विस टैक्स के केस में। अब अगर आप किसी एज ए अकाउंटेंट आप अपने रोल की बात करो, आपकी कंपनी सपोज करो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, आपकी कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, लेकिन आप कुछ सर्विसेज रिसीव करते हो, तो ऐसे केस में सपोज करो आप ऐसी सर्विसेज अपनी कंपनी में लेते हो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आती है, तो ऐसे केसेस में यू आर ए रिसीवर ऑफ सर्विस टैक्स। एंड इन दैट केस इफ बेशक आप रिसीवर हो, इन दैट केस आपको सर्विस टैक्स नंबर लेना ही पड़ेगा फिर, और सर्विस टैक्स नंबर लेके आपने जो सर्विसेज रिसीव की हैं और उसके ऊपर आपको सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और साथ के साथ उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो सर्विस टैक्स का काम आपको बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ आप ये जरूरी नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर के यहां काम करोगे। हमेशा हमारे दिमाग में गलतफहमी रहती है कि अगर सर्विस टैक्स का काम तो तभी आपको करना पड़ेगा इफ यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, बट इफ यू आर ए सर्विस रिसीवर, और हर कंपनी कोई ना कोई सर्विस रिसीवर तो जरूर होती है कहीं ना कहीं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसी सर्विसेज के रिसीवर हो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आती है, तो आप भी उसके साथ रिस्पॉन्सिबल हो। तो चाहे आप किसी भी टाइप की कंपनी में काम कीजिएगा, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आने वाली सर्विसेज की लिस्ट आपको अपने ढंग से एक बार स्टडी करनी है और अपने पास इसको नोट करके रखना है। तो सबसे पहले आपको 12.36% की अगर हम बात करें, 12.36% की बात करें, आपने अपने आप को देखना है कि आप कहां पे बैठे हो। तो अगर आप प्रोवाइडर के यहां काम करते हो, सपोज करो आपकी 50-50 की रेशियो है, तो आपको टोटल 12.36% का आप हाफ कर लीजिएगा और वो कितना आएगा, मेरे ख्याल 6.18% आ जाएगा। तो 6.18% आपको डिपॉजिट कराना है, और जिसने जिसको जो रिसीवर है 6.18 वो कराएगा, या जो भी आपकी परसेंटेज है। तो खास तौर पे आप कैरेज के केस में जब गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड होती है, तो इस केस में जो पूरी की पूरी बर्डन है वो सर्विस टैक्स रिसीवर पे है। तो ये केसेस आप जरूर ध्यान रखिएगा। या जैसे आप किसी कंपनी में सपोज करो एज ए डायरेक्टर सर्विस देते हैं, तो उस केस में भी जो रिसीवर है वही डिपॉजिट कराता है, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को एक बार समझ लीजिएगा आप, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ने मेरे ख्याल में इस इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में बना दिया। तो ये तो ठीक है कि जब आप किसी सर्विसेज पे टैक्स कैलकुलेट करोगे एंड इट विल बी 12.36%, बट ड्यू टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर आप प्रोवाइडर हो तो आपकी परसेंटेज कम भी हो सकती है और खत्म भी हो सकती है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ना सिर्फ इस परसेंटेज का ध्यान रखना, उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशंस आएगी तो ही आप प्रोवाइडर डिपॉजिट कराएगा, तो ही रिसीवर डिपॉजिट कराएगा। तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एक पूरी लिस्ट विद कंडीशंस स्टडी करनी है कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, वो सारी लिस्ट आपको रेडीमेड मिल जाएगी और ढंग से आपको हमसे भी आप ले सकते हो और वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो सर्विस टैक्स की। उसमें आपको अपनी कंडीशंस फॉलो करनी है कि किस कंडीशंस में आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आप रिसीवर है चाहे आप प्रोवाइडर हो। तो सिर्फ आपने एक बात ध्यान नहीं रखनी है कि 12.36% आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना, बल्कि इस सेक्शन के चलते रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चलते तो जो आपकी डिवीजन बढ़ती है रिसीवर और प्रोवाइडर का, ये खास तौर पे ध्यान रखने वाली बात होती है सर्विस टैक्स के मामले में। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स की बात करें कि सर्विस टैक्स की जो 12.36% है, बस यही डिवाइड करनी है हमने, और तो कुछ नहीं है रिसीवर और प्रोवाइडर के बीच में। अदरवाइज अगर हम
बाकी छोड़ दें तो सर्विस टैक्स को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है ही क्या? अगर आपने 100 रुपए की या 1 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड की है तो इसमें ना लोकल का चक्कर है ना इंटरस्टेट का चक्कर है, जितनी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है उसका सीधा 12.36% कैलकुलेट करो, आप अपना अपने पास रखो, बाकी जितना 12.36 है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दो, दैट्स इट। तो वैसे तो एसेस तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वैट की तरह इसमें ना लोकल और इंटरस्टेट का चक्कर है ना, तो इसमें तो, और वैसे भी सारी परसेंटेज कंपोजिशन सर्विसेज को छोड़ दी जाए, ठीक है ना, कंपोजिशन स्कीम्स को में जो सर्विसेज आती हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सब पे तो परसेंटेज आपकी 12.36% है ही है। लेकिन आपको खास तौर पे मैं एक बार और फिर ध्यान रखता हूं कि जो एक बार और फिर याद कराता हूं आपके बाद, जो अकाउंटेंट्स गलती करते हैं वो हमेशा जो अकाउंटेंट्स की गलती होती है वो इस जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम के जो रूल है इसमें गलती करते हैं। तो आपकी जो आपने अपनी परसेंटेज देखनी है 12.36%, आपने अपने आप को एनालिसिस करना, इफ यू आर सिटेड हियर देन इफ यू आर ए प्रोवाइडर देन आपने प्रोवाइडर के रूल देखने, एंड इफ यू आर ए रिसीवर, आप किसी कंपनी में सर्विस रिसीवर भी हो सकते हैं तो वहां आपको रिसीवर के रूल देखने हैं, और अगर वो आप एज ए रिसीवर सर्विस एज ए रिसीवर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो सर्विस टैक्स डिपॉजिट करा के आपको उसकी रिटर्न भी फाइल करनी है। तो सर्विस टैक्स का काम मैं आपको दोबारा याद करा दूं, न सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी में, ना सिर्फ सॉरी सर्विस इंडस्ट्रीज में, बल्कि ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको सर्विस टैक्स का नंबर लेके बकायदा ये टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ सकता है। तो ये तो थी सर्विस टैक्स में, अगर हम बात करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बातें। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे, दो वर्ड और हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अलावा, एक वर्ड आता है अबेटमेंट, अब इस अबेटमेंट फैक्टर को हम समझेंगे, और उसके अलावा एक वर्ड आता है सैंडविच क्रेडिट या इनपुट टैक्स या इनपुट सर्विसेज। तो इन दोनों बातों को भी हम समझेंगे तब जाके हम एक एक कंप्लीट नॉलेज ले पाएंगे सर्विस टैक्स की। तो अगले पार्ट में हम अबेटमेंट और सैंडविच क्रेडिट के बारे में बात करेंगे।